3 करोड़ की लागत से विद्युत सब स्टेशन का हुआ भूमि पूजन। विधायक ने अधिकारियों को कहा गर्मी से पहले बनकर चालू हो जाएगा यह स्टेशन। बिदसा जिले के पठारी में मुख्यमंत्री ने विद्युत सब स्टेशन की सौगात देखी, जिसका विधायक और जनप्रतिनिधियों ने भूमि पूजन किया। विधायक ने अधिकारियों को 15 मई तक काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विधायक ने ग्रामीणों से बिल का भुगतान करने की बात कही। समीपस्थ ग्राम बेला खेड़ी में क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह, जनपद अध्यक्ष महाराज सिंह ठाकुर, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष हरिनेश यादव, सरपंच प्रतिनिधि मोहन सिंह दागी ने मां वसुंधरा की पूजा अर्चना कर विद्युत केंद्र का शिलान्यास किया। 2,68,39,000 रुपए की लागत से बनने वाले 5 MVA विद्युत सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों के 22 गांवों को लाभ मिलेगा, जिसमें ग्राम पंचायत बवाई, खुर्द, खजूरिया और सिमरघान शामिल है। इनके ग्रामों में घरेलू एवं पंप लाइन की विद्युत आपूर्ति की जाएगी। विधायक हरि सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि लंबी लाइन होने के कारण आए दिन फॉल्ट और वोल्टेज की शिकायतें आती थी, जिसे निजात दिलाने के लिए यह सब स्टेशन की स्थापना की गई है। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री की सौगात है। इस दौरान विद्युत महाप्रबंधक सुनील खरे, उप महाप्रबंधक SP सिंघानिया, AE दीपक मिश्रा, जय जगदीश लोधी, पवन कोरी, भाजपा वरिष्ठ नेता राकेश सिंघई, अरुण सहेले, गुलाब यादव, बीना चौधरी, इंजीनियर अखिलेश पंथी, रितेश जैन, विपिन चौहान, चंद्रभान सिंह दागी, थाना प्रभारी रुद्राज सिंह, तहसीलदार अभिषेक पांडे सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे। बिरसा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। दिक्कत थी और लाइन हमारी बंद हो जाती थी, तो लाइन को चालू करना, एक गांव-गांव में लाइन आती थी, बहुत बड़ी समस्या थी। माननीय विधायक जी हमको हमेशा कहते थे कि यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर आ रही हैं, इसके सुधार किया जाए। देखिए लाइन में इनको टाइट करके हम एक स्थानीय छोटा मोटा काम तो करवा सकते हैं, पर स्थायी सॉल्यूशन तब बनता है जब यहाँ पे कोई एक परमानेंट सब स्टेशन बने। आपके गांव की बिजली आपके गांव के सब स्टेशन से जाएगी तो निश्चित ही आपको विद्युत प्रदाय सही मिलेगा, क्योंकि लंबी लाइनों का मेंटेनेंस करना अपने आप में एक दूभर काम है। कि खेत खेत में कैसे गीले में जाना, लाइन में इनको रात में जाना व्यवहारिक नहीं है। तो माननीय विधायक जी द्वारा विशेष प्रयास किए गए, उसके बाद हमें ये सब स्टेशन की स्वीकृति मिली है। साथियों, इस सब स्टेशन की कॉस्ट जैसा बताया विजय जी ने 2,68,00,000 रुपए के लगभग है। इसमें शहरवासा से हमें लगभग 14 किलोमीटर की 33 KV लाइन डाली जाएगी। अभी वर्तमान में शहरवासा से 11 KV घरेलू फीडर और शहरवासा से ही एक पंप फीडर आता था। अभी विधायक जी के प्रयास से हमने पठारी की एक लाइन चालू की है, उससे कुछ राहत मिली है, पर पूरी राहत आपको तब मिलेगी तब यहाँ पर एक सब स्टेशन बन जाएगा। अभी हमने एक सुबह भी एक सब स्टेशन का उद्घाटन किया है। विधायक जी के प्रयास से पूरे विधानसभा में 5 सब स्टेशन स्वीकृत हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़े से कहने पर मांगी 3 थी सब स्टेशन ने दे दी 5। माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष स्नेह है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खरे साहब ऐसी साहब तुम सुन लो, गर्मी तेज ना पड़े जाके पहले ही हो जाए ऐसी तैयार, जो ध्यान रखी तुम है 48 हो जाए 44 मई के 15 मई के अंदर आपको स्टेशन सब स्टेशन बना के नहीं, इनके कूलर और पंखा और AC भी लगवाइए भैया, सब चला भी खिला।